जीजा आयुष शर्मा की फिल्म लव यात्री आज रिलीज हो गई है। सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये फिल्म आखिर है कैसी। तो चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म में स्टार्स की एक्टिंग, कहानी, डायरेक्शन, म्यूजिक आखिर है कैसा। फिल्म की कहानी की बात करें तो आयुष शर्मा सुश्रुत का किरदार निभा रहे हैं। मेन लीड एक्ट्रेस के रोल में वरीना हुसैन, फिल्म में मिशेल बनी है। सुश्रुत उर्फ सुसू को एक ऐसा लड़का दिखाया गया है जिसकी कोई ख्वाहिशें नहीं है। वो वडोदरा में बच्चों को गरबा सिखाता है और वहीं एक डांस एकेडमी खोलना चाहता है। उसकी फैमिली उस पर नई जॉब ढूंढने का प्रेशर बनाती है। वहीं इंग्लैंड की मिशेल अपनी मातृभूमि भारत लौटना चाहती है और इस बात के लिए उसके पापा रोनित रॉय तैयार भी हो जाते हैं। अपनी फैमिली के कहने पर वो वडोदरा में नवरात्रि मनाने के लिए रुक जाती है। इसी त्योहार के दौरान सुश्रुत को मिशेल से प्यार हो जाता है और वो फिर उसका प्यार पाने के लिए काफी कोशिशें करता है। लव यात्री एक नॉर्मल लव स्टोरी है। डायरेक्टर हैं अभिराज मीनावाला। उनकी ये पहली फिल्म है और उन्होंने पुराने मसालों में नए चेहरे के साथ फिल्म परोसी है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिखा गया है। फिल्म के कैरेक्टर्स आपको पसंद आएंगे लेकिन कहानी आपको अच्छी नहीं लगेगी। फिल्म के गाने खूबसूरती से फिल्माए गए हैं और वैभवी मर्चेंट की कोरियोग्राफी भी काफी अच्छी है। वेल, तो लव यात्री उन लोगों को पसंद आ सकती है जो 90 के दशक के रोमांटिक फिल्मों के फैन हैं। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से 2.5 स्टार मिले हैं। वेल, आप लव यात्री देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।